अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे स्पीड एक्स के 8300 हैंडहेल्ड बार कोड स्कैनर की। ये भी एक 2D बार कोड स्कैनर है, तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें कंपनी क्या क्या कंटेंट्स प्रोवाइड कर रही है। तो इसके हमने बॉक्स को खाली कर लिया, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एक छोटा सा मैनुअल इसके ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि इसकी बार कोड की सेटिंग को चेंज करने के लिए है। नेक्स्ट हमारा मेन यूनिट है जो कि स्कैनर है, इसकी हम वायर को भी ओपन कर लेते हैं और इसकी क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं कि इसकी कैसी क्वालिटी है। तो वायर को अगर हम देखें तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ड्यूरेबल किस्म की है और फिक्स वायर है, इसके अंदर निकलने वाली नहीं है इसके अंदर से। और बाकी ओवरऑल प्लास्टिक फिनिश जो है इसकी काफ़ी ग्लॉसी है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। ऊपर स्पीड एक्स की ब्रांडिंग इसके ऊपर की गई है और ऊपर एक ये निशान बटन टाइप का है, लेकिन ये बटन प्रेस नहीं होता। और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 8300 इसका मॉडल लिखा हुआ है और फ्रंट पे इसकी LED लाइट है और उसका स्कैनर जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम इसके एक्सेसरीज की बात करें तो साथ में हमें इसका स्टैंड मिल जाता है। स्टैंड के अंदर ये कुछ कंपोनेंट्स है जिसको हमें सैंपल करके अभी चेक कर लेते हैं। काफ़ी इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, नट्स के साथ अगर आप इसको सैंपल करेंगे तो ये आपके इस तरह का स्टैंड जो है वो रेडी हो जाएगा और उसके ऊपर आप अपना बारकोड स्कैनर को ईजिली प्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी कनेक्टिविटी को चेक कर लेते हैं। अब इसके लैपटॉप के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो कनेक्ट होने के ऊपर ये साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है और बटन दबाने पे देखें इसके ऊपर एक फ्लैश लाइट है जो कि ऑन हो जाती है। तो अभी हम इसके स्कैनिंग भी करके देख लेते हैं, काफ़ी ब्राइट किस्म की जो लाइट है इसके अंदर से वाइट कलर की वो निकल रही है। तो ये हम इसको बार कोड को अब स्कैन करके चेक कर लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। 1D बार कोड स्कैनर है, बारकोड है, इसको जब देखें एक फ्लैश के साथ इसकी लाइट ऑन होती है और ये स्कैन हो जाता है। और ये 2D यानी QR कोड है, इसको भी काफ़ी इजीली काफ़ी डिस्टेंस के साथ बहुत एक्यूरेटली जो है वो स्कैन कर रहा है।